अब केवल आधार कार्ड के नंबर के जरिए ही पैसों का ट्रांजैक्शन हो सकता है, भले ही आधार नंबर किसी भी बैंक खाते से जुड़ा हो या ना हो। लेकिन जल्द ही आधार कार्ड के नंबर का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 12 अंकों का आधार नंबर अब सिंगल पॉइंट पेमेंट एड्रेस बन जाएगा। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो भी आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट के पेमेंट बैंक के जरिए ये सुविधा जल्द संभव हो सकती है। इसके जरिए 112 करोड़ भारतीय नागरिक आधार नंबर का इस्तेमाल करके पैसे भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के रिपोर्ट के अनुसार इंडियन पोस्ट के सीईओ एपी सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में आधार खुद पेमेंट एड्रेस नहीं होता है, मगर इस साल सितंबर महीने में अपना संचालन शुरू करने वाले पेमेंट बैंक ऐसा करने की कोशिश में है। बैंक का उद्देश्य पेमेंट सिस्टम को सरल और सर्वव्यापी बनाने का है। प्रारंभिक चरण में बैंक पूरे देश में करीब 650 जिलों में सुविधा देने की कोशिश करेगा। UIDAI के डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल रहे एपी सिंह ने कहा कि हम आधार को पेमेंट एड्रेस के रूप में विकसित करने पर काम कर रहे हैं। इंडियन पोस्ट की इस साल के सितंबर तक पूरे देश में 650 शाखाएं खोलने की योजना है, साथ ही हर जिले में कम से कम एक ब्रांच खोलने की भी योजना है। ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य एक यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम का निर्माण करना है।